नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान विशेष में। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। इसमें अनेक ऐसी वनस्पतियाँ पाई जाती है जो चमत्कारिक गुणों से भरी होती है। ये चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ और पेड़ पौधे हमारे आसपास में ही होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम इसके गुण और फायदे से अनजान होते हैं। ये जो आप कांटेदार पौधा देख रहे हैं, ये उत्कंठ का पौधा है। ये पौधा कांटों से भरा होता है, इसलिए इसे उत्कंठ कहा जाता है। हिंदी में उटकटेरा कहते हैं और कहीं कहीं इसे उटकांटा भी कहा जाता है। इसके सारे प्रकांड पर बड़े बड़े कांटे होते हैं। ये पौधा 1 मीटर तक ऊंचा होता है। सदियों से इस पौधे का उपयोग आयुर्वेद चिकित्सा में किया जाता है। ये शरीर में बल की वृद्धि करता है और मूत्रल होने से पेशाब संबंधी कई समस्याएं दूर करता है। इसके अलावा ये कफ और बलगम को दूर करता है तथा रुचि बढ़ाता है। दोस्तों, इसका मूल गर्भस्रावी होता है, इसीलिए भूल से भी गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन नहीं कराना चाहिए तथा इसके बीज वाजिकारक होने से नपुंसकता मिटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके ताजे पत्तों का रस 5 से 10 मिली की मात्रा में लेकर साथ में शहद मिलाकर चाट जाए, इससे श्वास में बड़ा फायदा होता है। दोस्तों, जिन लोगों को खाया पिया पचता ना हो, ऐसे लोगों को इसके मूल का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में लेकर छुहारे की गुठली का चूर्ण मिलाकर सेवन करना चाहिए, इससे पाचन शक्ति तेज बनती है। अगर इसकी छाल का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में काले तिल के साथ सेवन करते हैं तो ये पीलिया को मिटाता है। इसके अलावा इसकी छाल का चूर्ण 1 ग्राम और गोखरू का चूर्ण 1 ग्राम दोनों को मिलाकर मिश्र के साथ पीने से प्रमेह, सुजाक और मूत्र कुछ मिटता है। दोस्तों, ये पौधा यौन दुर्बलता में बहुत लाभकारी होता है। सदियों से इसका उपयोग यौन शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसके लिए इसकी मूल की छाल का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में और समान मात्रा में गोखरू तथा कौच बीज मिलाना है। अब इन तीनों की चूर्ण को 200 ग्राम गाय के दूध के साथ पकाकर छान कर ठंडा होने के बाद मिश्री मिलाकर पी जाए। इस प्रयोग से वीर्य के कई प्रकार के दोष दूर होते हैं और वीर्य का पतलापन मिटता है तथा गाढ़ा बनता है। इस चमत्कारिक पौधे के मूल का क्वाथ बनाकर गर्भवती महिला की नाभि पर लगाने से बिना कष्ट सुखपूर्वक जल्दी से प्रसव हो जाता है। दोस्तों, ये त्वचा रोगों में भी बहुत फायदेमंद होता है। इसके मूल का क्वाथ बनाकर रोजाना कुछ दिनों तक लगातार 10 से 20 मिली की मात्रा में पीने से चर्म के कई प्रकार के विकार दूर होते हैं और रक्त शुद्ध हो जाता है।